हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक और नई ड्रैग रेस की वीडियो अपनी ट्यून स्टेज वन स्कोडा कुशाक की ट्यून स्टेज वन स्कोडा सराबे के साथ। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो स्कोडा कुशाक है अपनी आरब भाई की हैं, ये एक अपने सब्सक्राइबर भाई की हैं। तो जो अपनी कुशाक थी, ये कोड 6 से स्टेज वन हो रखी थी। जो पावर स्पेक्स थे 140 BHP एंड 240 NM। ये अपना 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सलाबिया की बात करें तो सलाबिया भी हमारे पास आज जो आई है, इसमें भी हमारा स्टेज वन कोड 6 का ही हो रखा है। तो पावर स्पेक्स मोर ओवर दोनों गाड़ी के सेम ही है, 140 BHP 240 NM। बट फर्क क्या है, जैसे ये भी अपना 1 लीटर का ही टर्बोचार्ज इंजन है 3 सिलेंडर, ये भी मैनुअल है 6 स्पीड, वो भी मैनुअल है। सिर्फ आज हमें यही देखना है कि गाइज, ये एक SUV है, ये एक सिडैन है, तो क्या इसे सिडैन होने का बेनिफिट मिलेगा ड्रैग में या नहीं मिलेगा, कुशाक ही जीतेगी। बाकी एक बार ऑनेस्ट ओपिनियन ले लेते हैं अपने आरव भाई से भी, उनको क्या लग रहा है, उनके लिए भी पहली रेस होने वाली है ये। आरव भाई कैसे? बहुत बढ़िया। आपके लिए भी आज ये पहली बार कर रहे हो आप स्टेज वन वर्सेस स्टेज वन होने वाले हैं। इनफैक्ट हमने ड्रैग रेस पे स्कोडा सलाविया 1 लीटर स्टेज वन ट्यून्ड या फिर ट्यून्ड बोल सकते हो, पहली बार बुलाई है। पहली बार? हाँ। तो आज स्टेज वन वर्सेस स्टेज वन दोनों गाड़ियों का पहली बार हो रहा है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन लग रहा है भाई? देखो, दोनों एक तो मानने वाले हैं, दोनों की परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर नहीं है, सेम ही कंपनी का वेब रन कर रही है। इसके बस एडवांटेज है एरोडायनामिक ज्यादा है, अलॉयज इसके बढ़िया परफॉर्मेंस वाले, आपके वाले थोड़े स्टॉक रिप्लेसमेंट एयर फिल्टर है ITG कंपनी का इसमें। अच्छा, स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर भी लगा हुआ है, एयर फिल्टर भी है, तो इसकी परफॉर्मेंस आपकी एकदम स्टॉक है। आप में तो सिर्फ ट्यून हो रखा है, स्टेज वन ट्यून्ड है, बट उसमें एयर फिल्टर का बेनिफिट भी हो गया। देखो भाई, डिफरेंस एक ड्राइवर का आ सकता है, बाकी अगर दोनों बढ़िया होगी तो, बट अगर हमने दोनों में अच्छे ड्राइवर बैठा दिए, जैसे अतीशा भाई ने अगर चला ली सलाविया, तो आफ्टर 80-90 सलाविया आ गया, सलाविया आ गया। आपका क्या ओपिनियन है भाई अतीशा भाई? भाई सलाविया लग रही है ड्यू टू एरोडायनामिक्स, क्योंकि हमने मेरे को लग रहा है कि इनिशियल में दोनों गाड़ियां सेम रह सकती हैं, बट आफ्टर 120 या 110 आपकी सेडान आगे निकलेगी। हाँ। बाकी बस सलाविया के ओनर से मिला लेते हैं आपको। कैसे हो भाई? बढ़िया। आपका क्या ओपिनियन है भैया? सलाविया। चलो, कैसे हो भाई? बढ़िया। आपका क्या ओपिनियन है सलाविया कुशाक? मुझे कुशाक भी जीत सकती है, बट एरोडायनामिक्स का फर्क यही लेके जाएगी, और इसमें ITG का वो भी डल रखा है। हाँ, स्टॉक मतलब काफी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो गया सलाविया को, कि एयर फिल्टर भी है, ऊपर सेडान भी है, व्हील्स का भी कुछ फोर्जड है, व्हील्स का भी है। हाँ, व्हील्स का भी बोल सकते हैं। तो बाकी तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद, बने रहिए अपने तुषार भाई के साथ। सो गाइस, आगे अपने पहले राउंड के लिए हम कुशाक में तुषार के साथ, और वहाँ पे भाई अतीशे भाई है और कार के ओनर है। पहले मैं AC ऑफ रख रहा हूँ, ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑफ कर दिए, मैक्सिमम पोटेंशियल फर्स्ट राउंड में, ठीक है। लॉन्च दोनों का ये फुल एग्रेसिव होगा दोनों में, क्योंकि सॉफ्ट लिमिटर नहीं है। बाकी मैं तुषार भाई को फोन पकड़ा देता हूँ, देखते हैं भाई कौन जीतता है। पहले एक बार भाई बेल्ट लगा लो, ठीक है, रेडी भाई? और भाई हमारे पास कब बड़ा है बता दो सबको, वो दिख जाएगा लोगों। मैं कर रहा हूँ रेडी भाई, 3 2 1 रहने दो। क्या हुआ भाई? अपना तो अच्छा ही हो गया ना। हमारी पता है बॉक डाउन मार गई थी बाद में। क्या हुआ? क्लच डंप करा ना, वो ट्रैक्शन किक इन हो गया, मेरा भी ट्रैक्शन का आ गया था। हाँ। चलो यहीं से कर लो, रेडी 3 2 1 बढ़िया लॉन्च। नहीं यार, सलाविया पीछे कर, देख लो गाइस, हम बड़ा ही ले रहे हैं, सलाविया पीछे ही है, धीरे धीरे आ रही है, बहुत स्लोली स्लोली, बस ब्रेक ले लो, अराउंड 120-130 के बीच में ब्रेक लिए थे। हाँ। है ना, और उसके बाद ही आ रही थी वो एरोडायनामिक में भी आएगी, बट मैंने एक चीज देखी, वो फिर से गाड़ी ना लॉन्च तो हुई, हाँ। उसके बाद एकदम झटका मार गई, पता नहीं शायद दोबारा लॉकडाउन मारी होगा, पूछ लेंगे भाई से, पूछ लेते दीशा भाई से, एक यहाँ से कर लेंगे, वरना एक बार वहां से आते हुए मैं चला लूंगा सलाविया। डन भाई, फिर से बॉकडाउन मार गई क्या? फिर से कोई नहीं, क्लच भी डंप नहीं करा था। हाँ। जैसे ही क्लच ऊपर आया फिर से ट्रैक, बाद में बॉकडाउन थोड़ी सी वो होती है कभी कभी, वहाँ पे भी हुई थी तेरी? नहीं नहीं, इस वाले राउंड में नहीं हुई हमारी। ठीक, बहुत लास्ट में फिर वो एरोडायनामिक्स आ रहे थे बिल्कुल, आ रहे थे, यहीं से कर लेते हैं, लंबा खींच लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो भाई सेकंड राउंड कर, रेडी भाई? सेम स्पेक्स है, आगे ले थोड़ा सा, स्टेयरिंग सीधा रखना, ठीक है, रेडी भाई? रेडी 3 2 1
बढ़िया बढ़िया, दोनों गाड़ी बराबर लॉन्च, दोनों गाड़ियां बराबर लॉन्च। स्लाविया एकदम बगल में, गियर शिफ्ट हो गया, एरोडायनामिक किक इन हो गया, एरोडायनामिक किक इन। हां भाई, और एक बार देखना हम छोटे कर्व पे इस बार, उसके बाद भी क्या पता बेनिफिट आएगा हमें या नहीं आएगा भाई। वही आफ्टर 100 ना उसके एरोडायनामिक किक इन होते हैं, और इस बार बिल्कुल वही सेम थी 100 तक, 100 तक सेम बिल्कुल बराबर, वही गियर शिफ्ट भी प्रॉपर ना, जैसे आप कर रहे हो एग्जैक्ट वो कर रहे हैं। और भाई वो ये मतलब सेम देखो पावर स्पेक्स है, सेम ट्रांसमिशन है, सब कुछ सेम है, बट मेरे को एक चीज लग रही है भाई, 100 तक जैसे हमारी सेम है, उसके बाद तो एरोडायनामिक्स किक इन हुए उसके, राइट, बट फिर तो एयर फिल्टर और उसके परफॉर्मेंस अलॉय ने ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाया भाई। टॉप एंड में दिखाते हैं पोटेंशियल में, एकदम पोटेंशियल में, पोटेंशियल में उनका काम आता है। अच्छा, और एयर फिल्टर भी भाई का स्टॉक रिप्लेसमेंट है ना, कोई कोनिकल नहीं है, अगर कोनिकल वगैरह होगा ना रोलिंग में इफेक्ट आएगा उससे, क्योंकि रोलिंग में आपको एकदम से थ्रॉटल देना होता है ना, तो आपका टर्बो में जरूर फूल होता है, वो थोड़ा टाइम लगाएगा, और जिसपे कोनिकल एयर फिल्टर होता है उसको एकदम से इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। एक बार ऐसा करता हूँ मैं, चलाता हूँ स्लाविया, अतीश भाई को पहले आने दो, फिर देखते हैं उनसे पूछते हैं। भाई बिल्कुल 100 तक साथ, उसके बाद एरोडायनामिक किक इन और आगे, वही वही वही, बट बढ़िया थी। चलाओगे एक राउंड कुशाक? आ जाओ। तो भाई जब हम आ गए कुशाक में तुषार भाई के साथ, ड्राइवर स्विच हो गया, ड्राइवर स्विच हो गया, एसी ऑफ, एक सेकंड, कोई एडवांटेज देनी है, ट्रैक्शन ऑफ है, सेम है बाकी। भाई तुषार भाई आप कैमरा पकड़ना, हम रेडी हो जाते हैं, दोनों गाड़ियां सेम ही करेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल, बस ड्राइवर डिफरेंस देखना है। ठीक बात है, वो सेम है बिल्कुल। हां, एरोडायनामिक पे निकल रहे हो, बल्कि हमारा छोटा कर भी था यार, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, अरे 3-2-1 तुषार भाई करा देंगे, ये मेरे ख्याल लॉन्च भी ज्यादा प्यारी होती है। रुक जा, मैं नहीं कर रहा, आगे अपने आप रोल हो। ठीक है, रेडी भाई, रेडी मत हो जी, 3-2-1 मॉक डाउन, कोई नहीं, साथ है स्लाविया का बोनट आगे। ओए पकड़ रहे हैं क्या हम? कर्व है ना? नहीं, कर्व छोटा उस पे ही है। हां वही तो कह रहा हूं, कर्व की वजह से। हां देखो, अब देखो धीरे-धीरे जाती है ना आगे, बोलो भाई, वो जा ही रही है, रोलिंग में पता चलेगा, मेन तो रोलिंग में पता चलेगा, पर हमारी अभी बॉक डाउन थी, और हां बॉक डाउन मारी थी, तो शायद बॉक डाउन मार गई स्लाविया, मारी थी पता नहीं, उससे पूछते हैं। स्लाविया मेरे ख्याल नहीं मारी ना, स्लाविया नहीं मारी, अगर स्लाविया नहीं मारी तो फिर यार सुबह 7 बजे के टाइम पे कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर गाड़ी बॉक डाउन, नहीं ट्रैक्शन की वजह से हो रही है। अच्छा, हां व्हील स्पिन के चक्कर में, बिकॉज़ ऑफ ट्रैक्शन। अच्छा, कुशाक में कोई ट्रैक्शन के चक्कर में होता है क्या बॉक डाउन? कुशाक में भी, स्लाविया में भी, इनका ट्रैक्शन ऑफ होने के बाद भी ऑफ नहीं है भाई। बॉक डाउन हुई थी मेरी, तब भी पकड़ रही थी, बॉक डाउन हो गई थी, हां उसके बाद भी इतना कंपटीशन। हां एक फाइनल और खींच लो, थोड़ा लंबा फाइनल करते हैं, फाइनल कर लो। सीधी कर, ठीक है, रेडी भाई, हाँ रेडी, 3-2-1 अबे लंबा। अभी फिलहाल दोनों गाड़ियां बराबर, स्लाविया का बोनट हल्का हल्का आगे जाता हुआ, एक और गाड़ी जब दोबारा से फाइनल ट्रैक कर रहे हैं, रुक जा तेरा बोनट आगे, रुक जा आगे ले थोड़ा सा, ठीक है, रेडी भाई, चलो 3-2-1 बॉक डाउन नहीं मारी, दोनों का बराबर लॉन्च, स्लाविया का बोनट आ गया हल्का सा, अब देखना है मेन, थर्ड लग गया ना, थर्ड गाड़ी दोनों का लग गया, तो बहुत धीरे धीरे आगे जा रही है, धीरे धीरे, बट लंबा खींचना, कितना गैप बनाएगी वो, उसमें फिल्टर भी है, क्या पता है मिनट में पकड़ जाए एकदम। अभी फिलहाल तो ब्रेक ले लिया रहा मैंने भाई, ट्रैक के विनर तो स्लाविया ही रह रही है तुझे भाई, बिल्कुल भाई, एरोडायनामिक्स यार है, बेनिफिट दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। अब रोलिंग कर लेते हैं, हां रोलिंग कर लेते हैं, ऐसे होना किधर है अभी भी भाई, भाई स्लाविया ही विनर है ट्रैक में, तो वही है भाई, भाई रोलिंग करते हैं, वही है भाई, 100 तक देखो बिल्कुल सही होती है कार, उसके बाद एरोडायनामिक इसके किक इन है, और ये थोड़ा उड़ उड़ उड़, हां होल्ड होल्ड दबंग, वो स्टेबल है, रोलिंग करते हैं, फर्स्ट गियर 20, फर्स्ट गियर 20, एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ है ना गाइस, देख लो, चलो चलो फर्स्ट गियर 20 बता देना मेरे को, अब तो हॉर्न से करना है ना, हॉर्न वो देगा, ठीक है,
चलो ओए कुशाक आ गए, तू ही आगे रह रहा भाई। गियर शिफ्टिंग भाई वो आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, जबकि हम छोटे घर पे हैं। देख कैसे आ रही है, देखा हम छोटे घर पे थे जब भी आ गई। ब्रेक ले लेते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक मार रहा है, फिर भी टक्कर तो है भाई। बट पोटेंशियल में वही निकल रही है स्लाविया, पोटेंशियल में यार एरोडायनामिक्स में वही निकल रही है, हम नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पा रहे भाई। ब्रेक जल्दी क्यों ले लेता है, ब्रेक जल्दी क्यों ले लेता है भाई, स्पीड वो जल्दी है ना, स्पीड वगैरह का थोड़ा हुआ है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अच्छा दूसरी बार एक और रोलिंग करनी है, सेकंड गियर 40 बस यार, एडवांटेज है ना, मैं एसी ऑन करी वो तो गया, एडवांटेज नहीं हमारा हल्का सा वो हो गया था, माइनर सा डिले हुआ था। अच्छा। वो क्योंकि इसके ना मैट भी थोड़े वैसे है। चलो कंक्लूड करते हैं, उसके बाद हम 100 के बाद फिर ये आगे जाती है जा रही, और जबकि हम छोटे कर्व पे थे फिर भी आप आगे निकल गए। चलो कंक्लूड ही करते हैं भाई। तो गाइस राउंड्स आपने देख लिए होंगे, क्लिप्स आपने देख लिए होंगे, अपनी जो स्कोडा स्लाविया है गाइस वही विनर रहती है ऑफिशियली बात करो तो। हमने ड्रैग में भी देखा दोनों गाड़ी 100 तक तो टक्कर में रहती हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया दोनों को फेयर लॉन्च करें तो स्लाविया और कुशाक 100 तक तो बराबर चलती हैं, बट 110-115 के बाद स्लाविया अपनी आगे आने लग जाती है। हमने इस चीज़ नोटिस करी कि हम छोटे कर्व पे थे कुशाक में, रोलिंग में भी और ड्रैग में भी, उसके बावजूद भी स्लाविया ने जो कवर बनाया ना गाइस 120 के बाद वो बहुत बढ़िया था। तो फाइनल विनर तो हमारी स्लाविया ही है ड्रैग और रोलिंग दोनों में। बाकी यही कुछ थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड हम सबके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।